में जो जो सवाल है फडणवीस जी कि आप फ्रंट फुट की बैटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बहुत करते हैं, मगर क्या आप 4 जून के नतीजे के बाद हैव यू बिकम एज अ पार्टी एंड एज अ लीडरशिप अ लिटिल बिट ऑन बैक फुट? क्योंकि पीपल आर अनश्योर, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वही अग्रेशन नहीं, जिसलिए मैंने कहा रिजल्ट के बाद जिस तरह से आप बात कर रहे थे आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अग्रेसिव थी, 4-5 महीने में क्या थोड़ी एक कन्फ्यूजन हो गई कि इज आर अप्रोच रॉन्ग, इज आर लीडरशिप रॉन्ग, इज आर स्ट्रेटजी रॉन्ग? ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, हमने तय किया था कितनी लंबी छलांग मारनी है, लेकिन ध्यान में आया कि उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए। छलांग तो हमारी फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली थी, लेकिन उतनी लंबी नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़े पीछे गए, अभी लंबा दौड़ के आ रहे हैं। जो आपने स्कीम शुरू की है महाराष्ट्र में सब वुमेन के लिए बिटवीन एज ऑफ 21 एंड 65, तो अचानक क्यों किया आपने फडणवीस जी? क्या ये भी आपकी लंबी छलांग का एक हिस्सा है? और अगर वो लंबी छलांग आप पहले लेते, ये लंबी छलांग आपने पहले क्यों नहीं ली? आपने पहले 4,500 रुपये क्यों नहीं दिए? आपने 3 महीने का जो पेमेंट है एक बार किया है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं आजकल कि सब जगह हर कंस्टिट्यूएंसी में सबको आइडेंटिफाई करके बैंक में गया है कि नहीं, ये क्यों किया गया, जो श्रवण ने हमें अभी पहले पूछा था आपके अलायंस के एक नेता? ऐसा है कि नई सरकार में आने के बाद हम लोगों ने विमेन सेंट्रिक नीतियों की शुरुआत की, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है कि विकसित भारत तैयार करना है, तो हमको जो हमारे 50% आबादी का हिस्सा है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु मानकर पॉलिसीज तैयार करनी पड़ेगी। तो जो पहला बजट नई सरकार के आने के बाद, उस समय वित्त मंत्री मैं था, जो पहला बजट मैंने रखा था, उस बजट में हम लोगों ने कुछ योजनाएं उस समय दी थी, जिसमें हमने एक योजना दी थी कि घर में अगर बच्ची पैदा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए उस बच्चे को 18 साल होने तक 1,00,000 रुपया मिलेगा। उसी समय हम लोगों ने एक योजना दी थी कि जिसके तहत हमने महिलाओं को जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% का कंसेशन दिया। ऐसी कई योजना उस समय हमने दी थी, और उस समय भी हमारे दिमाग में यह था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी बातचीत हुई थी, और जब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो वहाँ पर योजना लाई, हाँ, और लाडली बहना योजना, और उसकी सफलता हमने देखी, तो उसके बाद हमने शिवराज जी से बातचीत की। हम लोग उसको लोकसभा से पहले नहीं ला पाए, क्योंकि उस समय तक हमारी तैयारी चल रही थी, लोकसभा के बाद हमने उसको लाया। और ऐसा नहीं, हम अब हर महीने में वो पैसा दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि नवंबर महीने में आचार संहिता रहेगी, इसलिए हमने अक्टूबर और नवंबर का पैसा एक साथ दिया है, बाकी हर महीने हम पैसे दे रहे हैं। और ये योजना एक जो हमारा बिग प्लान है कि जिसमें हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकारिता देना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो हमारी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को जो उच्च शिक्षा है उसमें 100% फी रीइंबर्समेंट दिया हुआ है, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो इंजीनियरिंग मेडिकल अगर करती है तो भी उनको हम 100% फी रीइंबर्समेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विमेन सेंट्रिक नीतियों में हमने ये नीति को अपनाया है। ये चुनाव में क्या ये अजीत पवार जी के पार्टी को कोलिशन में लाना गलती थी? क्या इसके कारण जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कम हो गई? अजीत पवार कभी कभी नवाब मलिक जैसे लोगों को अपने पार्टी के मीटिंग में बुलाते हैं। मैं बहुत क्लियर बुरा ना माने ये सब सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद, मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। हाँ जी, तो नहीं, क्योंकि देखिए, यू आर आइडियोलॉजिकली वेरी क्लियर पॉलिटिशियन देवेंद्र जी, वेरी क्लियर, एंड यू आर अ टोटल नेशनलिस्ट, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सच थिंग्स। सो हैज रियल पॉलिटिक्स, जो कहते हैं ना राजनीति की जो रियलिटीज है, क्या इन्होंने ओवर पावर कर दिया बीजेपी के आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को? आपकी जो कोर वोटर है, जो कोर हिंदुत्व प्रो हिंदुत्व वोटर है, क्या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी? क्या इस पर रिव्यू करना ज़रूरी है चुनाव के पहले किसी तरह से? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये 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 कैसा चल रहा है ये अलायंस, तीन पहिए वाला अलायंस, ये हाउ इज इट वर्किंग? अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो बात कही, देखिए, जिस समय ये निर्णय हमने लिया था उस समय इसका विचार हमने किया था, ये बात सही है कि
आइडियोलॉजिकली करीब करीब डायगोनली अपोजिट इस प्रकार से एनसीपी और हम लोग रहे हैं। और ऐसे समय जब हमने अजीत पवार जी को साथ में लिया तो ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे कोर वोटर को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे कोर वोटर ने उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार की परिस्थिति में अजीत पवार जी को हम साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक महाराष्ट्र का इक्वेशन बदला है। हमारे साथ जिस प्रकार की राजनीति हुई, उस राजनीति के बाद तीन पार्टियां जो साथ में आई है वो महाराष्ट्र का अर्थमेटिक जो है उसको एक प्रकार से उनके फेवर में करना चाहते हैं। ऐसे समय हम अगर अपने फेवर में अर्थमेटिक करना चाहते हैं तो हमको एक दोस्त जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप एक जिसको मूल्याधिष्ठित पॉलिटिक्स तभी कर सकते हैं जब आप जिंदा रहेंगे। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मूल्यों का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए 1+1=2 तो होता नहीं है पॉलिटिक्स, नहीं 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 होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो निर्णय, जिस समय ये अवसर आया कि अजीत पवार जी बाहर आए, तो उस समय हमने उनको साथ में लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि उनकी ही जो वोटर बेस है वो डिफाइन नहीं हो पाया था, क्योंकि देयर वोटर वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि शरद पवार जी के साथ जाए अजीत पवार जी के साथ जाए, तो इसलिए वो वोटर उनका तय होना और फिर वो वोटर हमारे को शिफ्ट होना, ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई जितने पैमाने पर होनी चाहिए। वो 80-90% कोई भी कोएलिशन में अनलेस द वोट्स आर ट्रांसफर्ड अप टू 80-90% इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा में अप टू 50% ही वो ट्रांसफ़र कर पाए, लेकिन लोकसभा ने अभी वोटर डिफाइन कर दिया है। अभी जो पवार साहब के साथ जाना चाहते थे वो पवार साहब के साथ चले गए, जो अजीत दादा के साथ रहना चाहते थे वो अजीत दादा के साथ रहे। तो अब विधानसभा के चुनाव में वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हमारा क्या है कि हमें एक बहुत एस्टेब्लिश पार्टी है, तो हमने उनको भी वोट ट्रांसफ़र किया, हमने शिवसेना का भी वोट ट्रांसफ़र किया। शिवसेना चूँकि आइडियोलॉजिकली हमारे साथ रही है तो उसका वोट ट्रांसफ़र भी एक प्रकार से ठीक रहा। यहाँ हम लोग नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है विधानसभा में हम कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मुझे आप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दीजिए। मैं आई शुड बी द सीएम कैंडिडेट। पूरे एमबीए में ये टेंशन है, आपके यहाँ ऐसा कोई टेंशन है क्या देवेंद्र? कोई टेंशन नहीं है, देखिए हमारे एक बिकॉज़ बहुत लोग हैं जो आपको भी देखना चाहेंगे। नहीं वो तो ठीक है, एज अ सीएम फेस। नहीं मैं हमारे यहाँ एकदम पक्का है, हमारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख है, इसी सरकार के और मुख्यमंत्री प्रमुख होते हुए हम चुनाव को सामने जा रहे हैं। तो जो सरकार का प्रमुख होता है वो सरकार का प्रमुख होता ही है, इसलिए वो हमारे लीडर है। और जहाँ तक आगे का सवाल है, आगे का सवाल हाँ मैं बोल देता हूँ, उसमें भी हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रमुख है, वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और साथ में जो पार्टी आई है वो दोनों पार्टियों में अजीत पवार उनकी पार्टी के अध्यक्ष है और शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष है। तो ये दोनों अध्यक्ष और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर तय करेगा, जो तय करेगा सबको मंजूर होगा। तो टेक्निकल रिप्लाई है, बस ऐसे ही होता है। तो नॉन टेक्निकल देवेंद्र फडणवीस स्टाइल में आपको जो पॉलिटिकल रिप्लाई चाहिए, पॉलिटिकल रिप्लाई चाहिए, वो यही है। नहीं है। देखिए देवेंद्र जी का ऐसा है, जब इन मूड में होते हैं सब